एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मथुरा की एसओजी टीम ने 9 किलो गांजा बरामद किया है, साथ ही गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। मथुरा में फरे पुलिस और एसओजी टीम को उस समय बड़ी सफलता मिली जब झारखंड से मथुरा में 2 गांजा तस्कर चार पहिया वाहन में 9 किलो गांजा लेकर आगरा बिक्री करने के लिए जा रहे थे। जब मथुरा एसएसपी अभिषेक यादव के कड़े निर्देश हैं कि जीरो ड्रग अभियान के तहत 2 अभियुक्त को ग्वालियर बाईपास पुल से गिरफ्तार किया है, वहीं गाड़ी से 9 किलो गांजा बरामद कर लिया गया है जो कि मथुरा जनपद में गांजा सप्लाई करते हैं। नशे के व्यापारी अजय पाल सिंह थाना बलदेव के गांव अवरणी का रहने वाला है, वहीं दूसरा अभियुक्त मुरारी थाना फरे क्षेत्र के गांव गरी रोशू का रहने वाला है। वहीं सीओ रिफाइनरी ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव के नेतृत्व में कार्यवाही चल रही है और लगातार कार्यवाही चलती रहेगी। वहीं फरे थाना पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यह दोनों अभियुक्त झारखंड से गांजा लाकर आगरा मथुरा में सप्लाई करते हैं जिन्हें आज गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। जल्द ही दोनों अभियुक्तों को भी पकड़ लिया जाएगा। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। श्रीमान एसएसपी महोदय द्वारा चलाए जा रहे जीरो ड्रग्स अभियान के तहत लगातार थानों में काम किया जा रहा है। अभी थाना फरे की पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त टीम ने ग्वालियर बाईपास पुल के पास 2 गांजा तस्करों को पकड़ा। ये मथुरा से गांजा लेकर आगरा में बेचने जा रहे थे। इनके पास से 9 किलो गांजा बरामद हुआ, एक वाइट किया सेटॉस कार बरामद हुई। उसके साथ 4 ATM, 2 मोबाइल फोन इनसे बरामद किए गए और 95,000 रुपए कैश भी बरामद हुए इनके साथ। इसके संबंध में थाने पे मुकदमा दर्ज, NDPS का मुकदमा दर्ज कर इनके ऊपर कार्यवाही कर इन्हें जेल भेजा जा रहा है। ये गांजा बेसिकली उड़ीसा से लेकर आते थे, जिसे विवेक जो कि झारखंड रांची झारखंड का रहने वाला है, ये मथुरा में सप्लाई करता था। इस बारे में इनसे पूछताछ की गई, इनके अभी आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी करी जा रही है। काम कर रहे हैं ये? यही काम करते हैं, इसी में लिप्त हैं। इसके बारे में जो भी मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हुए, इसके बारे में जानकारी कैसे करेंगे? मथुरा में कैबिनेट मंत्री